आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हेलिंग अप से हम रुद्राद सिंह आप सब अवकाश के सेशन में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग रेकी के आज के क्लास में आप सब का फिर से स्वागत है। हम आप लोगों के साथ चैट बॉक्स में अभी एक ग्रुप लिंक शेयर करेंगे, वो ग्रुप लिंक ज्वाइन कर जाइए ताकि वहां पर हम आपके साथ रेकी का कुछ मैनुअल कुछ पोस्ट वगैरह हम आपके साथ शेयर कर पाए, ताकि आप शामिल हो करके उस लिंक से आप नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद हम आपके साथ स्क्रीन शेयर करेंगे, देन हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कृपया कर जरूर शामिल हो जाएं ग्रुप लिंक से। आत्म नमस्ते एवरीवन, स्वागत आप सबों का आज के सेशन में। जो लोग आ गए हैं बस अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय कम रहता है, 40 मिनट की ही क्लास होंगे। तो आपके समक्ष स्क्रीन शो हो रहा है, वहां पर देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ है ऋग्वेद में रेकी। जैसे कि कल भी हमने आपके साथ डिस्कशन किए थे कि रेकी की प्रचलन आज से नहीं अपितु सदियों पुराना है, या इसका लेख जो है इसका हमें वेदों से प्राप्त होता है। वेदों में एक श्लोक लिखा गया है जो आपके समक्ष शो हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। ओम अयम मे हस्तो भगवानामयम मे भगवत्र अयम वे विश्ववेश जो यम सीमाभिवर्सनम। कहता है कि भाग्यशाली हाथ है मेरा, दूसरा भगवान है, हाथ औषध युक्त है, यह स्पर्श सुखद महान है। कहा गया है कि माई हैंड्स आर ए गिफ्ट ऑफ डिवाइन हैविंग ऑल हीलिंग पावर, इच टच इज वेरी प्रियस। तो यहाँ पर ऋग्वेद में रेकी का कुछ स्लोगन जो आपके समक्ष शो हो रहा है, हम यह नोट्स जो है, हम ये जो पीडीएफ है ये हम आपके साथ ग्रुप में शेयर करेंगे। तो आज हमारा जो मुख्य क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले देखिए रेकी की जो यात्रा आरंभ हुई है, इस युग में सबसे पहले शाक्य मुनि गौतम ऋषि भगवान बुद्ध ने इस कोर्स को, इस मोडालिटीज को सबसे पहले उन्होंने उजागर किया, और उनके बाद इसी विद्या को जिन्होंने इस्तेमाल किया है वो हैं ईसा मसीह। देन ईसा मसीह के बाद यह विद्या लुप्त हो गया, और यह विद्या लुप्त होने के बाद इस विद्या को पुनः रीडिस्कवर किए कौन, डॉक्टर मेकाउस्वी, जो हम लोगों के लिए पूजनीय है, जिनके बदौलत आज रेकी विद्या हम लोगों तक पहुंच पाया है। इसके बाद श्रीमती टकाटा देवी हैं, उसके बाद विलियम ली रैंड, उसके बाद विलियम चेन सियांग हाउ, उसके बाद डॉक्टर एन के शर्मा। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एन के शर्मा ही वो इकलौते व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया में रेकी विद्या को लाने की कोशिश की है, उन्होंने लाया है। कृपया आप सभी लोग अपने ऑडियो को म्यूट कर लीजिए ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस ना हो। रेकी क्लास, इस क्लास को हम रेकी के नाम से नहीं कहेंगे, हमारा स्लोगन यही है कि यह विद्या सूक्ष्म शक्तियां है और स्पर्श उपचार। स्पर्श उपचार अर्थात हमारा हाथ औषध से युक्त है। इस पूरे कोर्स में जो सबसे पहले प्रारंभिक बिंदु है वो है आपका डॉक्टर उसुवी के द्वारा बताए गए रेकी के पांच सिद्धांत। दोस्तों, रेकी के पांच सिद्धांत हमें बताए जाते हैं, यह सिद्धांत केवल पढ़ने के लिए नहीं, यह केवल बोलने के लिए नहीं है, यह जीने के लिए है। अगर हम इस पांचों फॉर्मूला को यदि हम अपने रियल जिंदगी में अप्लाई करते हैं, और यदि इसमें जो जो स्टेटमेंट कहा गया है उस चीज को रियलिटी में हम यदि अनुभव करते हैं अपने जीवन काल में, तो ये हमें
अपने आप से आत्म साक्षात्कार कराने में हमारी मदद करता है, साथ ही साथ हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस को बैलेंस करता है और आप अपने कामना की पूर्ति कर पाएंगे। आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो रेकी के जो पांच सिद्धांत है, सबसे पहला सिद्धांत क्या है, केवल आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा। देखिए यहां पर समझिएगा, केवल आज के लिए मैं क्रोध नहीं करूंगा। जापानीज लोग बहुत ही महान थे, उन्होंने पूरे वर्षों भर का या फिर पूरे जीवन काल का उन्होंने लेखा जोखा नहीं रखा, उन्होंने केवल आज के दिन जीने के लिए कहा है, यानी कि प्रेजेंट में। हम इंसानों की क्या खामियाजा है ना कि हम लोग अपने भूतकाल के बारे में सोच करके अस्तब्ध रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन और फिर कल के बारे में सोच करके यह सोचते हैं कि पता नहीं कल हमारा कैसा होगा। लेकिन आज यानी कि कल और पास्ट, इन दोनों के एवज में हम अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाते। और प्रत्येक दिन यानी कि आज भी हम कल जो बीत चुका है उसको याद करेंगे और कल जो बीतने वाला है उसके वह सोच करके यदि हम आज के दिन को खराब कर लेंगे तो फिर आज के दिन का महत्वपूर्ण जो भाग है, आज के दिन जो हम कर सकते हैं उसका क्या पोटेंशियल रहेगा, उसका क्या उपलब्धि रहेगी। इसलिए इन्होंने पांच सिद्धांतों में या केवल आज के लिए यानी कि इन्होंने प्रेजेंट में जीने के लिए बताया है। तो जो पहले यहाँ पर स्टेटमेंट है, केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, इसका तात्पर्य यही है कि आज के दिन आपको क्रोध नहीं करना है। मतलब क्या, क्रोध आज के दिन नहीं करना। ऐसा नहीं कि हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं रेकी सिद्धांत कि हम आज के दिन क्रोध नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई हमारे समक्ष आता है तो हम उसको उस पर क्रोध करते हैं या उसको हम फटकारते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा। अब ऐसा नहीं कि हम यह स्टेटमेंट बोल रहे हैं और हम चिंता कर रहे हैं कि पता नहीं कल के दिन हमारा क्या होगा, कल शायद हम इंटरव्यू में जाएंगे या फिर कल कहीं किसी से मिलने जाएंगे, वहां पर हमें क्या प्रॉब्लम होगा, ऐसा नहीं। इसमें से इस शब्दों को पहचानना है। जब ये नोट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसके नीचे में जो भी छोटा अक्षर में आप लोगों को दिख रहा होगा, तो सबसे पहले देखिए, जो केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के दिन मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा, केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगा और सब स्वीकार करूंगा, आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम व आदर करूंगा। इन पांच सिद्धांतों का जो सही मीनिंग है यही है कि हमें इंसानियत सिखाया जा रहा है इन पांचों फॉर्मूला से। क्योंकि क्रोध हमारे अक्ल को खत्म कर देगा, चिंता से हमारी चतुराई घट जाएगी, जहां पर ईमानदारी हमारा खत्म होगा वहां पर हमारे अंदर द्वेष रिश्ता भावना का जन्म लेगा, और यदि हम कुदरत का, यदि हम उस ऊपर वाले का, यदि हम इस प्रकृति का आभार व्यक्त नहीं करेंगे तो यह हमें अहम पैदा करेगा, और यदि हम स्वीकृति नहीं देंगे, स्वीकृति नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे तो हमें अपनी क्षमता प्राप्त नहीं हो पाएगी, और यदि हम दूसरों को प्रेम या आदर नहीं करेंगे तो हमें भी प्रेम और आदर नहीं मिलेगा। तो यह पांच फॉर्मूला केवल आपको, यह फॉर्मूला आपको केवल आज के दिन को जीने में मदद करेगा और आज के दिन आपको वो ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे कि आप क्या कर सकेंगे, अपने कल को अच्छा बना पाएंगे, आप अपने जीवन को अच्छे से जीने में आपकी मदद करेगा। इस पांच फॉर्मूला के बाद जो रेकी का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो है आपका आभा मंडल। अब ये आभा मंडल क्या है, रेकी इतिहास, क्योंकि आपको आपको नोट भेज जाएंगे, क्योंकि एक एक शब्द को अगर हम पढ़ के यहाँ पर अगर सुनाएंगे तो फिर लेट हो जाएगा, लेकिन रेकी को कलयुग में अवतार माना जाता है। इस नोट्स में आपको यहाँ पर मिलेंगे, इसके ऊपर लेख मिलेंगे। रेकी की उद्गम प्रचलित इतिहास तिब्बती यानी कि लोटस सूत्र के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। 21 दिन का ध्यान या 21 दिन की
साधना और उपचार की विधि आपको प्राप्त होगी। उसके बाद रेती के द्वारा जो चमत्कार किया गया था आपको यह भी इस नोट में दिए जाएंगे। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्यासे को ही पानी पिलाएं, अर्थात अब ऐसा नहीं कि रेती वह विद्या है जो आपके प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। अगर इसमें से जरा सा भी आप उस ऊर्जा का सम्मान नहीं करेंगे और बिना मांगे हुए किसी को यदि आप रेती बांटते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर वो ऊर्जा खपत हो और आप कमजोर पड़े हैं। इसके लिए कहा जाता है कि जो रेकी मांगे उन्हें ही रेकी देनी चाहिए, इसलिए बिना प्यासे को पानी नहीं पिलानी चाहिए, यह इसमें बताया गया है। इसके बाद कुछ देखिए, यहाँ पर अपने आभा मंडल की सफाई करने का जो विधि बताया गया है ये सब हम आपको लाइव सिखाएंगे आने वाले समय में। फिर आभा मंडल की जांच प्रक्रिया है, आभा मंडल की जांच हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सजनी तू ऐसे लिखती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि हमारे आभा मंडल, जो आभा मंडल की हम बात कर रहे हैं, आभा मंडल की टोटल 7 लेयर हैं। दोस्तों एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, होता क्या है कि हम प्रत्येक दिन न जाने किससे मिलते हैं, किससे बातें करते हैं, किस ऊर्जा फील्ड में जाते हैं, ये बात हमें पता नहीं रहता। लेकिन जब कभी भी हम किसी के संपर्क में जाते हैं तो उसकी ऊर्जा हमें इफेक्ट करती है। इसको अगर हम डिस्क्राइब करके बताएं तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग जिस यूनिवर्स में रहते हैं इस यूनिवर्स पूरा वाइब्रेटरी लेवल पर इसके टोटल 7 आयाम हैं, 7 आयाम जिसको कि 7th डायमेंशन कहते हैं। और कहा जाता है कि हर एक पार्टिकल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी अपनी एक औरा होती है, अपनी एक प्रकाश होती है। तो जरा सोचिए कि ऊर्जा का जो सिद्धांत है क्या है, वो हमेशा लोअर एनर्जी जो है वो हायर एनर्जी, यानी कि जहां पर हाई कंसंट्रेशन होगा वहां पर अट्रैक्ट होगा। अगर मान लीजिए कि कोई मान लीजिए कि कहीं पर अगर हाई डैम यानी कि हाई एनर्जी है और कोई लो एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है कि हायर से लो की ओर वो ऊर्जा आएगी। तो क्या होगा कि जब मान लीजिए आपके बॉडी की ऊर्जा यदि बैलेंस है, यदि नहीं है, अगर आपके संपर्क में कोई अगर हायर एनर्जी फील्ड वाले व्यक्ति आ जाते हैं तो आप तरोताजा हो जाते हैं, आप अपने आप को बेहतर अनुभव करते हैं। वहीं अगर आपके पास आपके पॉजिटिव एनर्जी के रेफरेंस में यदि आपसे ज्यादा निगेटिव एनर्जी वाला कोई बंदा यदि आ जाता है, उसके संपर्क में आप आ जाएंगे, तो आपकी एनर्जी क्या होगी, कमजोर पड़ जाएगी, तो उधर से एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो इस 7th लेयर में जो सबसे पहला लेयर जो आपका होता है वो आपका होता है मेंटल। सबसे पहला लेयर जो सबसे अपर वाला है वो है आपका एथेरिक बॉडी, यानी कि वो आपका ऊर्जा का सबसे ऊपर लेयर है। उसके बाद प्रत्येक लेयर यानी कि इस 7th लेयर में आपको आपका मेंटल भी होगा, आपका इमोशनल बॉडी भी होगा, आपका शारीरिक बॉडी भी होगा। तो ये 7 बॉडी आपके इफेक्ट करेंगे जब कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, या फिर आप किसी और के पास आप जाते हैं, या फिर किसी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं तो उस इन्वायरमेंट में भी आप पर इफेक्ट डालेगा। आभा मंडल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको यूट्यूब लिंक आपके साथ शेयर की जाएगी, जो देव शक्ति हीलिंग अब यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाया गया है आभा मंडल के बारे में, क्योंकि अगर आभा मंडल के बारे में बात करने लगे तो पूरा का पूरा 2-3 सेशन समाप्त हो जाएंगे। तो मूल जानकारी हम आपको यहाँ पर देना चाहते हैं, हम इस कोर्स में अपने बॉडी के आभा मंडल को क्लीन कैसे करेंगे उसके 2-3 प्रकार के तरीके बताए जाएंगे, जिसमें से एक अगरबत्ती का टेक्निक बताए जाएंगे, व्हाइट रुमाल की टेक्निक बताए जाएंगे, सॉल्ट वाटर की टेक्निक बताए जाएंगे, मोर के पंखों के प्रयोग बताए जाएंगे।
इनके प्रक्रिया द्वारा आप अपनी औरा और किसी अदर की औरा को आप आसानी से क्लीन कर पाएंगे। इसके बाद रेकी कोर्स में जो हमारे शरीर के सेवन चक्र हैं, आप सभी लोग सेवन चक्र, जो सेवन मेजर चक्र है हमारे बॉडी में, इन चक्रों के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। मूलाधारादि षट्चक्रम सप्तिरुदाम मुदीरतम कंठादु परिमूर्धांतम संभव्य स्थानोचित्य वराहस्तुति। अर्थात यह जो हमारा सेवन का सेवन चक्र है, यह राजमार्ग महामार्ग का यह सात विराम स्थल है। वो विराम स्थल, जो विराम स्थल आपको पृथ्वी से स्वर्ग तक पहुंचाने की यात्रा करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर इन सेवन चक्र को पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पर 11 चक्र को डिस्क्राइब करेंगे। ये 11 चक्र कौन कौन से और कौन कौन से बीमारी के कारक हैं, या इन 11 चक्र के खराब होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, हम किन किन समस्याओं में फंसते हैं, इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आप अपनी औरा को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कैसे आप फैला सकते हैं, यह टेक्निक भी आपको सिखाई जाएगी। इसके बाद आप अपने आभा मंडल को कैसे अनुभव कर पाएंगे, तो आभा मंडल को अनुभव करने के लिए एक छोटे से विधि है, प्रयोग है, उस प्रयोग को जब आप करेंगे तो आप अपने आभा मंडल को आसानी से अनुभव कर पाएंगे। आपकी आभा मंडल की स्कैनिंग, जांच प्रक्रिया, स्ट्रांग करने की विधि, इन सारी चीजें आप जब एक बार इसको रीड करेंगे, इस पोस्ट को, उसके बाद इस मैनुअल को जब आप रीड करेंगे, उसके बाद एक बार आपको जानकारी मिल जाएगी, उसके बाद जब हम यहाँ पर बताएंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएगी। इन सेवन चक्र को अच्छे तरीके से क्लीन एंड स्ट्रांग करनी है, क्योंकि यही सेवन चक्र होंगे जो चक्र आपकी ऊर्जा को, आपकी एनर्जी को बूस्ट करेगी और आपकी हीलिंग पावर को इम्प्रूव करने में आपकी मदद करेगी। और आपको अपना चक्र को संतुलित करना है। उसके बाद हमारे बॉडी में जो सात मुख्य चक्र हैं, इन सात चक्रों के खराब होने से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है, इसकी भी जानकारी होना आपके पास अनिवार्य है। क्योंकि मान लीजिए किसी को कोई व्यक्ति पीड़ित है, कोई पेशेंट है, हम उसकी बीमारी को जान रहे हैं और उसकी बीमारी को हम हील कर रहे हैं मान लीजिए, और यदि हमें यही पता नहीं रहा कि उस व्यक्ति को जो प्रॉब्लम है वो किन चक्रों की मदद से प्रॉब्लम हो रही है, जब तक हम उन चक्रों को ठीक नहीं करेंगे तो लाखों बार हम उसको हील कर दें लेकिन फिर भी हम उसको ठीक नहीं कर सकते। अब आते हैं हमारा जो मुख्य टॉपिक है यहाँ पर, कृतज्ञता की भाव, हमारा ग्रेटिट्यूड चार्ट हमें फॉलो करनी पड़ेगी। करना क्या है इसमें, सबसे पहले आप लोगों को 30 दिन का एक नोटबुक तैयार करनी है। अब हम मूल बातें बता रहे हैं, यानी कि सिलेबस अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे पहले जो हम बताए ये सारी प्रक्रिया हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे आभा मंडल के बारे में, और जब ये नोट्स आपको दे दिए जाएंगे ग्रुप के माध्यम से तो फिर आप आसानी से आप कर पाएंगे। तो 30 दिन का आपको एक नोटबुक बनाना है। उन 30 दिन के नोटबुक में आपको करना क्या है कि आपको डेट लिख लेनी है, 1 से 30 तारीख तक या फिर 31 तारीख तक। उसमें से आपको करना क्या है कि मान लीजिए कि जो आपका चार्ट बनेगा उसमें कम से कम 5 से 10 लाइन रहने दीजिएगा, यानी कि एक एक पेज आप एक डेट से बनाइएगा। और उसके बाद प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सवेरे से जो आप उठते हैं, सवेरे उठने के बाद जब आप रात्रि में बेड पर जाते हैं, उसके बाद आपको करना क्या है कि सवेरे से लेकर के रात्रि तक आपको अपने ऊपर ध्यान देनी है, और यह पता करनी है कि आज हमने क्या क्या किया, आज हमने सवेरे से उठ करके रात्रि सोने तक हमने कौन कौन से कार्य किए, या हम कौन कौन से कार्य करने जाए और हमें क्या क्या चीज हमें मिला या नहीं मिला। तो हर छोटे मोटे चीज के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करनी है, कहना है, जैसे कि मान लीजिए
सवेरे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, आज के सूर्योदय को हमने देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जो भी आपके जीवन में इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं आज के दिन, उसके लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करनी है। ये धन्यवाद ज्ञापन करना बहुत जरूरी है। इस धन्यवाद ज्ञापन के बाद आप का जो सवेरे से लेकर के रात्रि तक का जो ड्यूरेशन होगा, उस समय में आपको यह पाठ को ध्यान में रखनी है, जो आपको 5 फॉर्मूला बताए गए, 5 प्रिंसिपल बताए गए, उन 5 प्रिंसिपल के आधार पर आपको जीना है। 21 डेज तक आप थोड़ा सा कठोर पालन कीजिए, 21 डेज के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर स्वतः वो ऊर्जा, वो हीलिंग एनर्जी आपके अंदर जागृत हो रही है। उसके बाद रेकी प्रार्थना है। रेकी प्रार्थना क्या करेंगे हम, जब हमारा अटूनमेंट हो जाता है, अटूनमेंट होने के बाद हमारे अंदर रेकी शक्ति जब जागृत हो जाती है, रेकी शक्ति जागृत होने के बाद हम कहेंगे कि हम रुद्रा आदि सिंह कश्यप गोत्र अपने माता पिता कुल देवता कुल देवी ब्रह्मांड के समस्त सकारात्मक शक्तियों से संपर्क साधते हुए, हे रेकी माँ, हम आपका आवाहन करते हैं, आप हमें सेल्फ हीलिंग या दूसरों की हीलिंग करने में आप हमारी मदद करें। हम एक रेकी चैनल हैं, हीलिंग करने वाले तो आप हैं। उसके बाद कहेंगे कि दुनिया में स्थित रेकी शक्ति को धन्यवाद, ब्रह्मांड में स्थित रेकी मास्टर रेकी ग्रैंड मास्टर को धन्यवाद, डॉक्टर मेकाओ ओशी को धन्यवाद, भगवान बुद्ध को धन्यवाद। उसके बाद हम अपने हाथ से रेकी को बहने के लिए कहेंगे कि हम स्वयं को हीलिंग करने जा रहे हैं या दूसरों को हीलिंग करने जा रहे हैं, हे रेकी ऊर्जा, मेरे हाथों से बहो 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 बहो, यानी कि जब 3 बार आप बहो बहो कहेंगे तो आपके हाथ से इमीडिएटली रेकी ऊर्जा बहने लगेगी। जो हमारे बॉडी में हीलिंग के जो 24 पॉइंट्स हैं, वो 24 पॉइंट्स के चार्ट आपके समक्ष दिख रहा है। देखिए कि हमारे बॉडी में ये 24 पार्ट्स हैं, इन 24 पार्ट्स को आपको 1 बाय 1 करके आपको हील करनी है। जब ये 24 पार्ट्स को जब आप हीलिंग करने में जब आप सक्षम हो जाएंगे, जब आप इसको हीलिंग कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, उसके बाद आप अपने बॉडी के 12 अंगों को आप 36 मिनट तक हीलिंग करेंगे तो आपका 24 पार्ट ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। आप अपने 12 अंगों को हील जब करेंगे तो ये आप जब सेकेंड लेवल पर पहुंच जाएंगे, तब आप अपने बॉडी के 12 अंगों को आप हील करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे। उसके बाद है सेल्फ हीलिंग और दूसरों की हीलिंग, उसमें से आप दूसरों का सामूहिक उपचार कैसे करेंगे, यह विधि भी आपको सिखाई जाएगी। तो यह नोट्स आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, तो कृपया जो चैट बॉक्स में आपके साथ शेयर किया गया है ग्रुप लिंक, उसमें आप शामिल हो जाएं। अब हम मूल पाठ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये सूक्ष्म शक्तियां स्पर्श उपचार के बारे में हमने मूल मूल कड़ी आपको बताई, जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये रेकी शक्ति जो है, जो हमारे हाथ से किसी हम दूसरों का जब हम उपचार करेंगे, तो हाथों से जो हम उपचार करेंगे, ये हाथ में जो उपचारक क्षमता है, ये हाथ में उपचारक क्षमता क्या है, तो हमारा ये बीचों बीच पाम चक्र है। ये पाम चक्र ही वो चक्र है जो चक्र हमारे बॉडी से, यानी कि यूनिवर्सल ऊर्जा को हमारे बॉडी के माध्यम से, हमारे हाथों के चक्रों के द्वारा वो ऊर्जा हम दूसरों में स्थापित करेंगे, दूसरों को हम हील करेंगे।
ये बातें समझनी पड़ेगी। होता क्या है कि बहुत सारे रेकी साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने समझ तो लेते हैं, हीलर बन जाते हैं, अपनी सेल्फ हीलिंग कर लेते हैं, अपने बॉडी के समस्त अंगों का हील कर लेते हैं, लेकिन उन्हें ऊर्जा फील नहीं होती, स्वयं को ऊर्जा फील नहीं होती और वो दूसरों को भी ऊर्जा फील नहीं करा पाते। तो समस्या कहाँ आती है? समस्या यही आती है कि हम अपने पाम चक्रा पर ध्यान नहीं देते। तो हमें अपने पाम चक्रा को चार्ज करना पड़ेगा। अभी एक प्रयोग हम आपको बताते हैं। करना क्या है आपको? कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको बैठनी है। सबसे पहले हम अपने पूरे बॉडी को क्लीन करेंगे। कैसे क्लीन करेंगे? सिंपल तरीके से अपने दोनों हाथों को ऊपर हम रखेंगे, अपने हाथों को ऊपर हम रखेंगे और हम परमपिता परमात्मा से विनती करेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, हमारे पूरे संपूर्ण बॉडी को क्लीन करने में आप हमारी मदद करें। उसके बाद हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने साथ अपने पास में जमीन पर सटा देंगे और अपने राइट हैंड को अपने गोद पे रखेंगे और कहेंगे हे परमपिता परमात्मा, आपकी दया से, आपकी कृपा से हमारे बॉडी के लेफ्ट बॉडी पार्ट में जो कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी निगेटिविटी है, वह हमारे लेफ्ट हथेली की मदद से वह मदर अर्थ में समा रही है। इसी प्रकार से तीन बार कहेंगे हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे बॉडी के लेफ्ट पार्ट की समस्त नकारात्मक ऊर्जा मदर अर्थ में समा रही है। उसके बाद हम अपने राइट हैंड को ऊपर की ओर करेंगे और कहेंगे हे परमपिता परमात्मा, हमारे राइट बॉडी पार्ट की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को हम आकाश तत्व में विलीन कर रहे हैं। तीन बार कहेंगे। उसके बाद हम अपने पाम चक्र को रब करेंगे 21 टाइम्स। रब करने के बाद हम अपने पाम चक्र को 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए कहेंगे क्लीन हो, क्लीन हो, क्लीन हो। फिर 21 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमा करके कहेंगे चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। सेम प्रक्रिया इस हाथ पर भी करना है। 21 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके हम कहेंगे क्लीन हो, क्लीन हो, क्लीन हो। फिर 21 टाइम्स घुमा करके कहेंगे चार्ज हो, चार्ज हो, चार्ज हो। उसके बाद आपको आपके हार्ट चक्र के बीचों बीच आपको आना है और आपको एक काल्पनिक ऊर्जा का बॉल बनानी है आपको आपके दोनों हृदय चक्र के बीच में। ऐसे अनुभव करें कि आपके दोनों हथेलियों से ऊर्जा निकल रही है, यह ऊर्जा एक बॉल का फॉर्म ले लिया है। आप देखिए कि आपके लेफ्ट हैंड से भी ऊर्जा निकल रही है और आपके राइट हैंड से भी ऊर्जा निकल रही है। यह एक एनर्जी बॉल का रूप ले लिया है। इसके बाद आप अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर करें, थोड़ा आगे की ओर करें, थोड़ा पीछे की ओर करें, थोड़ा आगे की ओर करें, थोड़ा पीछे की ओर करें, थोड़ा आगे की ओर करें। इसी प्रकार से आप ऐसे ले आए, थोड़ा ऊपर की ओर करें, थोड़ा नीचे की ओर करें, थोड़ा ऊपर की ओर करेंगे, थोड़ा नीचे की ओर करेंगे। इसी प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके दोनों हाथों में दबाव अनुभव होना शुरू हो जाएगा। आपको आपके दोनों हाथों में दबाव अनुभूति होने लगेगी, आपको ऊर्जा का प्रेजेंस फील होना शुरू हो जाएगा आपके दोनों हाथों में। जब आप रेकी साधक बन जाएंगे, जब आपके पास रेकी सिंबल्स मिल जाएंगे, जब आप फर्स्ट लेवल करके जब आप सेकंड लेवल में चोकुरे सेके होन सजेशन एंड मास्टर में जब आपको डेकोमियो मिल जाएंगे, तो जब आप अपने पाम चक्रा के बीच में बनाते हैं और जब ये ऊर्जा फॉर्मेट जो है, इसी को हम बोलते हैं ची बॉल एक्सरसाइज। यही वो मूल शक्ति है जिन शक्तियों की मदद से आप किसी भी बीमारी को आप इंस्टेंट हील कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको आपके थर्ड आई चक्र से सिंबल बनाने पड़ते हैं। उसके बाद जब आप इस ऊर्जा को, मान लीजिए कि हमारे हृदय में कोई प्रॉब्लम है या हमारे किसी भी अंग में, मान लीजिए कि हमारे गले में प्रॉब्लम है,
तो ये ची बॉल को बनाए या ऊर्जा को बनाए और इस ऊर्जा को उठा करके हम यहाँ गले पे धर देंगे तो क्या होगा कि हम हील हो जाएंगे। तो आप ये प्रयोग करेंगे, अभी केवल यही इतने सा करें कि आप अपने हाथों में एक ऊर्जा बॉल को बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। प्रथम पड़ाव में आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको ग्रेटिट्यूड चार्ट का पालन करनी है, ग्रेटिट्यूड चार्ट आपको बनानी है, हर छोटी मोटी चीज के लिए आपको ईश्वर को धन्यवाद ज्ञापन करनी है। दूसरे पार्ट में आपको रेकी फाइव प्रिंसिपल को जीना है, उसमें जो जो भी फाइव प्रिंसिपल बताए गए हैं उस पार्ट को आपको रियलाइज करनी है, उसको अच्छे से एंजॉय करनी है। उसके बाद आप आपकी हीलिंग करने की ओर जब आप अग्रसर होंगे तो सबसे पहले हम अपने सेवन चक्रा को सबसे पहले पढ़ेंगे और इन सेवन चक्रा के साथ हम इलेवन चक्रा के बारे में हम बताएंगे। तो ये सात चक्रों को चार्ज हम करेंगे और इन सात चक्रों को चार्ज करने से पहले हम इन सेवन चक्रा को क्लीन करेंगे। करना कैसे, मान लीजिए कि हम अपने हर्ट चक्र को क्लीन करेंगे, तो इसी प्रकार से अपने हर्ट चक्र के पास एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे 21 टाइम्स और कहेंगे क्लीन हो क्लीन हो क्लीन हो, फिर 21 टाइम्स क्लॉक वाइज घुमाएंगे कहेंगे चार्ज हो चार्ज हो चार्ज हो। इसी प्रकार से हम अपने सेवन चक्र को क्लीन एंड चार्ज करेंगे, ये डेली करनी है। इसी प्रकार से आपका सेवन चक्र क्या होगा, पूरी तरीके से क्लीन होगा और अपने आप में चार्ज हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे आभा मंडल पर। करना क्या है आपको, तीन अगरबत्ती लेनी है। अभी हमारे पास अगरबत्ती नहीं है, अगर रहता तो मैं आपको दिखाते। तीन अगरबत्ती लेनी है, तीन अगरबत्ती को जला लेनी है और अपने सर के ऊपर से एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके उसके बाद अपने बॉडी के लेफ्ट पार्ट की ओर घुमा करके ऐसे ऐसे घुमाते हुए स्पाइरल करते हुए इधर छोड़नी है, इधर छोड़नी है, इधर छोड़नी है, इधर छोड़नी है स्पाइरल करते हुए। और जो प्रत्येक बार जो आप ऐसे करके छोड़ेंगे आपको यह भाव करनी है कि हमारे बॉडी से तमाम नकारात्मक ऊर्जा वो मदर अर्थ में समा रही है। तो उसके बाद आप अपने राइट बॉडी को करेंगे, यह हो जाएगा एक विधि, इसकी वीडियो आपके साथ शेयर की जाएगी। उसके बाद है कि हम अपने बॉडी को जो अपने औरा को जो क्लीन करेंगे वो क्लीन करने का एक और विधि है। करना क्या है कि हमको अपने दोनों हाथों को ऊपर करनी है और अपने सर के ऊपर में क्राउन चक्र के ऊपर में यह भाव करनी है कि एक पवित्र ऊर्जा का निर्माण आप करेंगे, कहेंगे हे परमपिता परमात्मा हमें अपने बॉडी को क्लीन करने के लिए, हमें अपने औरा को क्लीन करने के लिए आप हमें सफेद दिव्य प्रकाश भेजें। अब आप देखिए कि आपके सर के ऊपर ठीक क्राउन चक्र के ऊपर एक ऊर्जा आ गया है और वह क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके बाद भाव कीजिए कि उस ऊर्जा बॉल से स्पाइरल करते हुए आपके पूरे बॉडी को सर से लेकर के पांव तक आपको पूरी तरीके से कवर कर लिया है। उसके बाद आप यह भाव करेंगे कि हमारे बॉडी की तमाम नकारात्मक ऊर्जा वह ऊर्जा स्पाइरल जो है वह आपके बॉडी की तमाम नकारात्मक ऊर्जा को अपने में एडजस्ट कर लिया, अपनी ओर खींच लिया है। और फिर आप उस ऊर्जा बॉल को, उस स्पाइरल को आप ऐसे करके उठाएंगे मदर अर्थ में समा देंगे। और सबसे मूल बात, जो आप अपने औरा को क्लीन करेंगे वह एक और कार्य कर सकते, सबसे आसान टेक्निक है कि मोर के पंखों का जो होता है झाड़ू के टाइप का बनता है या फेन के टाइप का बनता है, मोर का पंख लेते आएंगे, आप अपने सर से बस ऐसे क्लॉक वाइज घुमाते हुए एंटी क्लॉक वाइज घुमा करके क्लीन करेंगे और अपने सर से लेकर के पांव तक पूरा आपको घुमा देनी है तो आप क्लीन हो जाएंगे। इसके बाद मूल बातें हैं कि अब हम रेकी ऊर्जा का जो आवाहन करेंगे उसके लिए सबसे पहले हमें रेकी ऊर्जा के प्रेजेंस को समझना होगा। तो सबसे पहला विधि है श्वास एंड निश्वास तकनीक। श्वासों का एक एक्सरसाइज है, श्वासों की एक विधि है जो आपके साथ आज जूम कल आज आपको ग्रुप में वह वीडियो की लिंक भेज दी जाएगी जो हमारे चैनल पर अपलोड है, उस विधि को आज आप करेंगे। उसके बाद एक है रेकी ध्यान विधि, जो ध्यान विधि को आप करेंगे डेली करेंगे क्योंकि वह ध्यान विधि आपके अंदर रेकी ऊर्जा को जेनरेट करने में आपकी मदद करेगा। क्लियर,
तो ये रेकी ध्यान करने के बाद, उसके बाद आप पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। उसके बाद कल हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने आभा मंडल की जांच कैसे करें और अपने आभा मंडल को और भी स्ट्रांग हम कैसे करेंगे। उसके बाद हम यूनिवर्सल ऊर्जा से अपने बॉडी को हील कैसे करेंगे, 24 पार्ट्स को, वो चीज हम सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट कल मिलेंगे जूम क्लास पर फिर से। उससे पहले आपको रेकी का श्वास और निश्वास तकनीक आपको करनी है, आज रात में करनी है सोने से पहले, कल सवेरे भी आपको करनी है। और रेकी ध्यान विधि जो हम अभी आपके साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में हम भेज देंगे, उसको आपको करनी है। और अगर इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप हमको डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो आज से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद। आज की रिकॉर्डिंग, जूम की रिकॉर्डिंग आज YouTube पर अपलोड कर दी जाएगी और उस YouTube की लिंक आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। वहां से आप आज की जूम की रिकॉर्डिंग आप प्राप्त कर पाएंगे। हेलो हेलो, हाँ सर, कौन से ग्रुप में ये रिकॉर्डिंग आएगी? जी ग्रुप में, जो आपका जो रेकी का ग्रुप है उस ग्रुप में भेज दी जाएगी। और अभी जो आपके कमेंट बॉक्स में जो लिंक भेजी गई है, उस लिंक के थ्रू वहां पर आपको रेकी के नोट्स मिलेंगे। तो इस ग्रुप में भी आप लोगों को शामिल हो जाना है। सर इसमें तो हूँ, मगर ये यूट्यूब का जो लिंक है वो कौन से ग्रुप में भेजेंगे आप? वो हम दोनों ग्रुप में भेजेंगे। ओके, इसमें भी आ जाएगा ना? जी जी बिल्कुल बिल्कुल।